ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। हालांकि सीवी एडिटिंग का मैं बहुत सारा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ला दिया हूं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को समझाएंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह का सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। गाइस, ऐसी फोटो देखने के बाद आपको लगता होगा कि ऐसी फोटो तो सिर्फ फोटोशॉप के ही अंदर एडिट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने फोन के अंदर भी कर सकते हो। और गाइस, बहुत दिनों से हमारी वीडियो फेस कैम की नहीं आ रही थी, लेकिन अब से आप लोगों को हमारी फेस कैम की वीडियो देखने को मिलेगी रेगुलर। ठीक है, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सा टाइप के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिक्सा टाइप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया है, इसे हम सीवी एडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फोटो को पिक्सा टाइप के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट का, तो सिंपली आपको एडजस्ट पे टैप कर देना है। एडजस्ट पे टैप करने के बाद यहाँ से आपको सेचुरेशन को इंक्रीज कर देना है, तो सेचुरेशन को 60 के अराउंड कर देंगे और क्लैरिटी को भी आपको बढ़ा लेना है, लेकिन क्लैरिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इससे मैं 14 या 15 रखता हूँ। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी आपको वैसे ही उसी के अराउंड रखना है, 11, 12, 13, 14 इसी के अराउंड। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट्स और शैडोज को थोड़ा थोड़ा सा कम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइलाइट्स और शैडोज को मैंने थोड़ा थोड़ा सा कम कर लिया। कम कर लेने के बाद यहाँ पे आपको इरेजर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ इरेज जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। अब अपनी फोटो को जूम करना है आपको और कुछ इस तरीके से चला देना है। ठीक है, यानी कि इरेजर वाले ब्रश को आपको अपने फेस पे चलाना है और हैंड पे। ठीक है, क्योंकि हमें अपने फेस और हैंड को जो है रेड रेड नहीं दिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं फेस और हैंड से इरेज कर लूँगा। अगर आप इरेज नहीं करेंगे तो आपका फेस और हैंड दोनों ही रेड रेड कलर का दिखेगा, जो कि आपको फोटो में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इरेज कर लेने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ से साइन वाले मार्क पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं डन। तो यहाँ पे गए जितना काम खत्म होने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि लाइट की एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ से गई एफएक्स पे क्लिक करना है, हम ड्रॉ टूल में जा रहे थे, एफएक्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफएक्स जो लिखा हुआ है इफेक्ट्स, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद एफएक्स वाले कैटेगरी के अंदर आना है, यहाँ पे आप मतलब यहीं पे रहोगे तो आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, कलर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ कलर रिप्लेस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेकंड थर्ड नंबर वाले फिल्टर को। और उसके बाद कलर रिप्लेस की मदद से जो है अपनी बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। वो कैसे करना है गाइज, आपको देखिए ये बीच में एक प्लस का आइकॉन नजर आ रहा होगा जो कि ब्लैक कलर में है, तो इसे आपको अपनी बैकग्राउंड पे लाकर इस तरीके से रख देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके बैकग्राउंड का कलर चाहिए, मैक्सिमम सीवी एडिटिंग में रेड होता है, तो आप रिप्लेस ह्यू को पूरा राइट साइड की ओर पूरा बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद जो भी पार्ट आपका बैकग्राउंड में नहीं हो पा रहा है रेड, उसे दोबारा सेलेक्ट कीजिए और उसकी भी रिप्लेस ह्यू को मतलब पूरा आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सीवी वाला बैकग्राउंड का जो है कलर मिल जाएगा। अभी सीवी एडिटिंग हुआ नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको सिंपली डन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमारे कपड़ों में भी साइन आ चुकी है और बैकग्राउंड में भी, और यहाँ पे अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। तो यहाँ से टूल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एडजस्ट के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको अपनी फेस को वाइट करना है, तो इसके लिए सेचुरेशन को कम करना है आपको और ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। तो जितना आपको ज़्यादा फेस को वाइट करना हो उतना आप ज़्यादा ब्राइटनेस को बढ़ा लेना और उतना कम सेचुरेशन को मतलब कर लेना है। ठीक है, सेचुरेशन को बढ़ाना नहीं है फेस के लिए, कम करना है। उसके बाद यहाँ से इरेज पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से इरेज कर देना है। मान लीजिए कि हमें अपने फेस को वाइट करना है ना कि बैकग्राउंड को। ठीक है, तो बैकग्राउंड से हम इरेज कर लेंगे, उसके बाद डन कर लेना है। तो गाइज अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी भी सनग्लासेस बेकार लग रहे हैं, तो उसके लिए हम ड्रॉ टूल में जाकर सनग्लासेस का भी कलर चेंज कर देंगे, यानी कि इसको भी हम रेड कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी कलर आपके सनग्लासेस का रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमें रेड कलर रखना है तो यहाँ से हम इसको घुमा कर लाएंगे और रेड के पास रख देंगे। ठीक है, तो जो कलर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लेयर पर क्लिक करना है आपको, लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओवरले कर देना है। यहाँ से नॉर्मल रहेगा आपका, तो उसके बाद यहाँ से आपको ओवरले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी कि जो भी हम यहाँ से कलर को अप्लाई करेंगे वो ओवरले में हो जाएगा। तो देखिए ओवरले का कमाल क्या होता है वो हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे आपको साइज को सेट कर लेना है अपने मुताबिक से, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ सनग्लासेस पे चलाने हैं। देखिए यहाँ पे हम चला रहे हैं सनग्लासेस पे, तो ये कुछ ऐसा कलर आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये ओवरले नहीं हुआ है, इसको हम दोबारा से करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल से आपको ओवरले कर देना है नीचे जाकर। देखिए ओवरले करने के बाद कितना मस्त वाला जो है यहाँ पे कलर आपका जो है सेट कर जा रहा है। ठीक है, तो इसे मैं पूरे सनग्लासेस पे जल्दी जल्दी से चला लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो पाए और आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएँ। तो गाइस हमने यहाँ पे पूरे सनग्लासेस पे इसको चला दिया।
अब रही बात कि कुछ पार्ट्स बाहर निकल जाते हैं तो उसे इरेजर की मदद से आपको इरेज करना है। वो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे एक इरेजर है, इसे सिलेक्ट करेंगे, ओपासिटी को बढ़ा देंगे और साइज को भी, और उसके बाद हार्डनेस को पूरा फुल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी फ़ोटो को जूम करना है आपको, और जहाँ भी पार्ट्स आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ से आप इजीली इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट हमको लग रहा है कि इरेज करना है वो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इरेजर की मदद से आप इरेज कर सकते हो, पेंसिल वाला जो ब्रश है उसकी मदद से आप फिल कर सकते हो, और यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इन दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। यानी कि दो लेयर क्रिएट हुआ था, एक तो हमारी फ़ोटो का और दूसरा सनग्लासेस के कलर का। अब यहाँ से थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। लेकिन यहाँ पे गाइस अभी हमारी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अब इस फोटो को आपको ओपन करना होगा आफ्टर फोकस ऐप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर फोकस ऐप के अंदर चलेंगे और बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको एल्बम पे क्लिक कर देना है सिंपली। एल्बम पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो जो भी आपने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर एडिट की उसी पिक को आपको यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। तो ये वाली फ़ोटो हमने एडिट करी थी अभी पिक्सआर्ट में, इसको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके मदद से आपको उस पार्ट को सिलेक्ट कर, अपनी बॉडी पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आपको ब्लर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हमें अपनी बॉडी पार्ट को ब्लर नहीं करना है, बाकी सब पार्ट को ब्लर करना है जैसे बैकग्राउंड को। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी पूरे बॉडी पार्ट को, ठीक है। तो आपको हेयर को अच्छे से देख लेना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे अच्छे तरीके से ही करो, लेकिन एक आउटलाइन जैसा क्रिएट कर देना ताकि आपकी फ़ोटो में मतलब कहीं भी ब्लर ना आए, ठीक है, बैकग्राउंड में ही जाए। ये थर्ड नंबर वाले जो आपको एक ऑप्शन मिलेगी इसकी मदद से आपको सिर्फ बैकग्राउंड पे चलाना है, और इसकी मदद से आपकी बैकग्राउंड जो है यहाँ पे ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक कलर का लाइन क्रिएट होगा, इसे मैं जहाँ जहाँ पे चलाना है चला लेता हूँ। याद रहेगा इसकी, इसे आपको अपने शर्ट वर्ट पे नहीं चलाना है, ठीक है, और अपने बॉडी पार्ट पर ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन नहीं चलाना है, इसे सिर्फ आपको अपने बैकग्राउंड पर चलाना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ब्लर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी अमाउंट आपको मिलेगी, तो इसे आपको पूरा आगे की ओर बढ़ा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लर हमने पूरा अमाउंट बढ़ा दिया ब्लर का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपर्चर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं हम। अपर्चर पे क्लिक करने के बाद इसमें कुछ इफेक्ट देंगे, वो होगा बूके का इफेक्ट। तो सिंपली यहाँ से बूके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बूके जो लिखा हुआ है इसकी अमाउंट को हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बूके इफेक्ट जरूरी है कि हर फोटो में काम करेगा, अगर आप में काम कर गया तो इसे बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल कुछ काम नहीं आ रहा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, फ़िल्टर पे जाना है और यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है फ़िल्टर के अंदर जाकर, ठीक है। और इसकी बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट को हम यहाँ पर इतना बढ़ा लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रास्ट को पूरा फुल ही रखो, आप फुल रख सकते हो बट सारी फ़ोटो में फुल अच्छा नहीं लगता है, तो आप थोड़ा सा कम रखना कॉन्ट्रास्ट को, बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से इफेक्ट के अंदर चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक इफेक्ट आपको डालना है, वह है शार्पन का। तो यहाँ पे शार्पन को इंक्रीज कर लेंगे, इससे आपकी फ़ोटो शार्पनेस आपकी फ़ोटो में आ जाएगी, जिसके कारण आपकी फ़ोटो बहुत ही मस्त लगेगी। तो यहाँ पे हम इतना डाल लेते हैं, ठीक है, शार्पन। और उसके बाद यहाँ से सिंपली कहते हैं डन। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हो बिफोर एंड आफ्टर, हमारी फ़ोटो काफ़ी गजब की एडिट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ सेव पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ से यस करके सेव कर लेना है, ठीक है। तो गाइस अब हमारी फ़ोटो यहाँ पर फुल HD में सेव हो गई। अगर आप लोगों का ये इशू है कि फुल HD में फ़ोटो सेव नहीं होती है, तो जल्दी इसका मैं ट्यूटोरियल ला रहा हूँ, उसमें आपको बता दूंगा कि आप फुल HD में अपनी फ़ोटो को कैसे सेव करोगे, वो भी आफ्टर फोकस ऐप के अंदर। तो जल्दी आपका भाई इसके लिए ट्यूटोरियल ला रहा है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।